जैसा मुझे लग रहा है कि कुमान अपने लास्ट गेम में, शायद हो सकता है लास्ट गेम हो कुमान का, वो ऐसे जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर देगा 4-3-3 खेलो बच्चों, ऐसा तो करेगा नहीं। मुझे लगता है कि दे विल गो इन अ बैक 3 जैसे खेलते आए हैं। सो भाई लोग, लालीगा एंड होने वाला है, ये सीज़न फाइनली एंड होने वाला है। कितना टॉपसी टर्वी सीज़न रहा है ना रियली में। मतलब स्टार्टिंग में तुम देखो, जब हमने स्टार्ट किया था तो वो मैं तेरा करके हम 13 पॉइंट पे थे, मतलब 13 पॉइंट नहीं यार, 13 पोजीशन पे थे टेबल पे। एंड अब देखो, यू नो, किसी तरीके से हम सेकंड तक खींच के लाए हैं। एंड बीच बीच में तो ऐसा लग रहा था, वाओ कुमान ने तो भाई मज़े दिला दिए। मतलब लिटरली 19 गेम्स अनबीटन इन 2021, क्या ही फॉर्म चल रहा था। फिर आया एक हवा का झोंका एंड सब बहा ले गया। अब वो हवा का झोंका तुम मैड्रिड का गेम कहो, तुम इंटरनेशनल ब्रेक कहो, तुमको जो कहना है तुम कहो, बट वो हवा का झोंका ऐसा था कि अपने सारी होप्स को उसने बहा ले गया। एंड हम अभी यहाँ पे बैठे हैं, रो रहे हैं ये सोच के कि कल एथलेटिको मैड्रिड लालीगा जीत रही है कि रियल मैड्रिड लालीगा जीत रही है। भाई मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता। एंड ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। एंड बट यार स्पॉन्सर है। सो गाइस कम ऑन, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। इट्स अ ग्रेट फुटबॉलिंग ऐप विच रेगुलरली रिमाइंड्स मी दैट बार्सिलोना इज एट द थर्ड पोजिशन ऑन द लालीगा टेबल, बिकॉज एज यू नो इट हैज़ ऑल द टेबल्स फ्रॉम ऑल द लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, वे यू कैन हैव एवरी डिटेल ऑफ योर club, the live stream details, the team sheet, the transfer news and everything. It's a free application to have if you want to know about the status of your team and everything. The link to the application is in my description below. Please go and download one football app. Please. Anyways, तो मैं कहाँ था यार? हाँ, बार्सा की बात कर रहे थे हम। हमें यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि यार क्या एथलेटिको मैड्रिड जीत रही है, क्या रियल मैड्रिड जीत रही है। अब हमें वैसे पता है, बच्चों की तरह किनारे बैठ के ताली बजानी पड़ेगी। हाँ यार ठीक है, वेल डिजर्विंग। अब हर बार्सा फैन का मूड यहाँ पे क्या होगा? वेल डिजर्विंग, क्या खेला है। रिस्पेक्ट टू जिडान, रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड। हाँ, क्या खिलाया डिएगो सिमियोनी, बल्कि डिएगो सिमियोनी ने हगा है। 13 पॉइंट की लीड थी, उसको हग के अभी एक पॉइंट की लीड कर दी। क्या क्या जीते हो? वो तो भाई, वो तो कहो कि हम इतने चूतिया, हम मतलब मैड्रिड एंड बार्सिलोना दोनों इतने चूतिया कि हम वो कवर नहीं कर पाए, वो एक पॉइंट की लीड, दो पॉइंट की लीड थी। तो यार वी शुड बी किकिंग आवरसेल्व्स दैट वी कुडंट कैपिटलाइज वे एथलेटिको मैड्रिड फॉल। तो ये लीग एक्चुअली हम में से किसी को जीतना चाहिए था, सीरियसली। मतलब रियल मैड्रिड या बार्सिलोना, इनमें से जीतना चाहिए था, बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड, ठीक है, नो ऑफेंस टू देम, ठीक है यार, अच्छी टीम है यार, सिंस दे डिड अ गुड जॉब। एंड उनके इस गुड जॉब में बार्सिलोना का काफी हाथ रहा है, बिकॉज वी गेव देम अ वेरी लीथल स्ट्राइकर, ठीक है, उस बारे में बात हो चुकी है, छोड़ो यार, गॉन स्टोरी यार, रोना वोना हो चुका है, खत्म। बट ठीक है, नथिंग कैन बी टेकन अवे फ्रॉम देम, जो हुआ बॉटलिंग किया उन्होंने, ठीक है, 13 पॉइंट की लीड, वट एवर, नाउ दे आर स्टिल टॉप ऑफ द टेबल। अगला गेम उनका वैलाडोलिड के साथ है, येस, वैलाडोलिड, ठीक है यार, लास्ट है ऑन द टेबल है, रिलीगेट हो चुकी है, तो नॉट अ बिग डील फॉर देम। बट हाँ, एक न्यूज आई थी कि रोनाल्डो ने कहा है कि अगर वैलाडोलिड हरा देगी एथलेटिको मैड्रिड को, तो ही वुड पे समथिंग अराउंड 150,000 टू द प्लेयर्स ऑफ द वैलाडोलिड प्लेयर्स। एंड भाई, इज इन दैट अ बिग मोटिवेशन फॉर यू? तो अब मुझे नहीं पता, बट कि अगर इधर तुम देखोगे रियल मैड्रिड का, तो विलेरियल से गेम है इनका। विलेरियल बल्कि ज़्यादा बेटर टीम है, 7th ऑन द टेबल है, इनका फॉर्म लास्टली सही चला है, पिछले 2 मैच जीते हैं, बल्कि वैलाडोलिड तो यार पिछले 5 मैच से 0 विन लेके बैठी हुई है। तो वेरी वेरी लेस चांस कि एथलेटिको मैड्रिड ये गेम हारे, ठीक है, अवे है, हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, बट यार माई मनी इज ऑन एथलेटिको मैड्रिड, वो ये मैच जीतेंगे तो दे विल विन दिस गेम। एंड किस तरीके से, हाँ, अगर मैड्रिड फैन जानना चाहें किस तरीके से रियल मैड्रिड ये लीग जीत सकती है, तो वो ऐसा है, सुनो, अगर एथलेटिको मैड्रिड ये मैच हारती है और रियल मैड्रिड ये मैच जीतती है, तो क्लियरली मैड्रिड विल विन द लीग। बट अगर एथलेटिको मैड्रिड ये मैच ड्रॉ करती है और मैड्रिड ये मैच जीतती है, मतलब मैड्रिड को तो जीतना ही है, रियल को, रियल असली वाली मैड्रिड को तो जीतना ही जीतना है, तो ये 84 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। एंड एथलेटिको मैड्रिड मान लो ड्रॉ किया तो भी 84 पॉइंट पे रहेंगे। बट तुम गोल डिफरेंस, चलो गोल डिफरेंस यहाँ पे मायने नहीं करेगा, यहाँ पे सबसे पहले मायने रखेगा हेड टू हेड, क्योंकि रियल मैड्रिड ने एक बार एथलेटिको मैड्रिड को 2-0 हरा है, एक बार 1-1 ड्रॉ हुआ है, तो हेड टू हेड बेहतर है रियल मैड्रिड का, सो दे विल विन इट। तो भाई बस अगर एथलेटिको मैड्रिड को ये मैच, मतलब टाइटल जीतना है, तो उनको अपना मैच जीतना होगा, मैड्रिड को जीतना है तो उनको अपना मैच जीतना होगा, तो ऐसा मोनोटोनस सा, बोरियत सा कुछ है। एंड बार्सा वाले किनारे बैठे हुए हैं, बच्चे बन के, अरे यार जो भी करना है करो, सीज़न ख़त्म करो। एंड गाइस, हैविंग सेड दैट, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मैं खुश क्यों इतना, बिकॉज मेसी इज़ आउट ऑफ दिस गेम, एंड ये एक संकेत है कि मेसी बार्सा नहीं छोड़ रहा है।
गुड गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, ये तालियां, क्या ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, क्यों पूछोगे तुम क्यों? अबे इसलिए क्योंकि अगर मान के चलिए मेसी का लास्ट गेम होता तो तुम्हें क्या लगता है कि कैंप नू पे लास्ट गेम वो ऐसे हार के जा रहा होता, कुछ सेरेमनी नहीं होती? मान लो ये वाला गेम भी लास्ट होता उसका, अवे गेम है, फाइन ठीक है, बट इस गेम में भी मेसी को तो इंक्लूड करते ना। अब लास्ट गेम मेसी अपना खेल लिया, हमें पता भी नहीं चला कब हो गया, तो यार ये एक साइन है जिसकी वजह से आई थिंक कि मेसी विल स्टे। एंड यार मुझे लगता है सबको ही पता था, ठीक है, तो ज़्यादा भौकाल में मार रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली कुछ है नहीं उसका मतलब, ठीक है यार, तुम लोग बड़े बड़े शातिर हो। एनीवेज ठीक है, तो पॉइंट क्या था वीडियो का कि हाउ कुड बार्सिलोना लाइन अप इन द लास्ट गेम ऑफ द सीजन अगेंस्ट आइबार। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा गेम है हमारे लिए, अगर हमें मैच हारेंगे तो हम चूतियो जैसे फोर्थ पोजीशन पे आ जाएंगे, सेविया जीतेगी तो थर्ड पे आ जाएगी, बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, हम फोर्थ पे आ जाएंगे, हमें चलेगा, हमें बस अभी डजेंट मैटर थर्ड या फोर्थ, राइट, अभी हमें मैटर क्या करता है यार, हम ये लास्ट गेम अच्छे से खेलें। तो मेसी नहीं है, हाउ कैन बार्सिलोना लाइन अप, चलो स्क्रीन पे चलते हैं देखते हैं। जैसा मुझे लग रहा है कि कुमान अपने लास्ट गेम में, शायद हो सकता है लास्ट गेम हो कुमान का, वो ऐसे जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर देगा 4-3-3 खेलो बच्चों, ऐसे तो करेगा नहीं, मुझे लगता है कि दे विल गो इन अ बैक 3-4 जैसे खेलते आए हैं, 3-1-4-2 काइंड ऑफ अ लाइनअप जो उनका रहा है उसी तरीके से। एंड मेसी तो आउट है, सबको पता है, क्लेमेन लॉन्गले आउट है, हाँ, बिकॉज उसको लास्ट मैच में सेल्टा वीगो के अगेंस्ट उसको रेड कार्ड मिल चुका है। पेड्री आउट है बिकॉज पेड्री इज ऑन अ वेकेशन, बाकी रोबर्टो आउट है एंड कुटिनो एंड फाटी तो आउट है, सबको पता है। तो भाई रोहो राइट बैक, राइट सेंटर बैक पोजीशन पे अलॉन्ग विद पीके एंड उमटीटी, यस उमटीटी, उमटीटी नॉट मिंगेजा, मुझे लगता है कि एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक खेलेगा। एंड अगर ये मिंगेजा का लास्ट, मिंगेजा नहीं भाई, अगर ये उमटीटी का लास्ट गेम है तो उमटीटी को हम खिलाएंगे एंड भेज देंगे, वही करना है। एंड हाँ, गोलकीपर में नेटो, ओ भाई टर स्टेगन आउट है, टर स्टेगन ने अपनी सर्जरी करवाई है नी की एंड ही विल बी आउट फ्रॉम द यूरोस, तो जर्मनी में मैनुअल नोयर ही खेलेगा, यूरोस में खेल नहीं पाएगा टर स्टेगन, तो नेटो अपना लास्ट गेम खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक न्यूज़ आ रही है नेटो का लास्ट गेम हो रहा है ये, तो ये बैक थ्री हो गई अपनी। एंड देन वन जो है मिडफील्ड में, आई थिंक बुस्केट्स ही खेलेगा, आई डोंट थिंक सो कि कोई रीज़न है यहाँ पे किसी और को खिलाने को, पियानिक एंड एलाइश मुरीबा कोई रीज़न तो है नहीं, मे बी सब्स्टिट्यूट में खेलेंगे, तो बुस्केट्स अलॉन्ग विद फ्रेंकी डी योंग इज बैक आफ्टर सस्पेंशन एंड रिकी पूज, ये होली यस, हाँ रिकी पूज को देखना सबको पसंद करता है, तो भाई रिकी पूज विल बी देयर, मुझे नहीं लगता कि पियानिक खेलेगा ना, रिकी पूज को स्टार्ट करने जरूर देंगे। एंड राइट हैंड साइड पे डेम्बेले, तो डेम्बेले राइट विंग बैक पोजीशन पे खेला था पिछले कुछ गेम्स में से एंड ही वाज डूइंग वेरी गुड, डिफेंडिंग वाइज नहीं अच्छा था, डिफेंडिंग वाइज काफ़ी गालियां खाया था खासकर वो मुझसे एंड तुमसे, बट ओवरऑल देखोगे विद द प्लेइंग्स एंड ऑल तो ही डिड फाइन, गोल भी पड़ा था राइट एंड फ्लैंक से उसने जो बॉल ट्रिपल करके ले गया था एंड ऑल, तो ही इज डूइंग गुड एट दैट प्लेस। एंड अगर कैलम हडसन ओडोई कर सकता है अच्छा, तो मुझे लगता है डेम्बेले भी कर लेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा एंड ही इज डूइंग गुड, राइट बैक पे वो खेल सकता है। जॉर्डी अल्बा ऑन द लेफ्ट बैक पोजिशन एंड ऊपर अप टॉप ग्रीज़मान एंड टकला ओपी, तो भाई ग्रीज़मान हो सकता है हमारे इन दोनों स्ट्राइकर्स का ये लास्ट गेम हो, मे बी ग्रीज़मान, मे बी टकला ओपी, ब्रेथवेट पूजनीय हमारे प्यारे प्लेयर्स ब्रेथवेट, यानी यार मैं ब्रेथवेट का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, काफ़ी कुछ उसने किया है बार्सा के लिए, एक्चुअली में उसने एक रियली मेक शिफ्ट जो स्ट्राइकर रोल हमें चाहिए था वो उसने प्रोवाइड किया है, आप वी कुडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर फ्रॉम दिस गाय, ही वॉज अ ग्रेट स्ट्राइकर एट लेगानेस, बट बार्सा का लेवल यही है यार, वो इतना ही कर सकता है बार्सा के लिए, ही कैन नॉट गो ऑन एंड डू मोर देन ही डिड बिकॉज वी वरंट फीडिंग हिम द बॉल्स, सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम, ठीक है। तो आई थिंक कि यार ये दोनों का लास्ट गेम हो सकता है, ग्रीज़मान का थोड़ा कम बट टकला ओपी का थोड़ा ज़्यादा, ये लास्ट सीजन है ब्रेथवेट का। अगेन अगर आप सब्स्टिट्यूट में देखो तो मिंगेजा, मुरीबा, ट्रिंकाओ, पियानिक, फिर वो डेस्ट, बाकी कोई छूटा तो बता देना यार। एनीवेज मुझे लगता है कि ट्रिंकाओ को भी वो सेकंड हाफ में लाएंगे डेम्बेले की जगह पे एंड ऑल, पियानिक भी खेलेगा कुछ मिनट्स डेफिनेटली, मुरीबा तो आने ही आना है, हो सकता है हम पीके को रेस्ट दें और रोहो को सेंट्रल लाके मिंगेजा को राइट हैंड फ्लैंक पे खिला दें, हो सकता है डेस्ट एंड फिर वो भी आ जाए बिकॉज यार 5 सब्स्टिट्यूशन है, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स कैन कम एंड प्ले। तो गाइस अब इस गेम में मतलब होना क्या है, मतलब क्या लगता है, मतलब मैं कवर क्यों किया ये वीडियो कि भाई लास्ट गेम है लालीगा का, नहीं, द थिंग इज कि हमने बहुत कुछ खोया इस सीजन, ऑलमोस्ट लालीगा पा के हमने खोया, अगर वो कुछ गेम्स हम जीत जाते तो हम लालीगा के टॉप ऑफ द टेबल पे होते हैं, कल प्रोबेबली हम लालीगा जीत रहे होते, एक इतने टफ सीजन में हम कल लालीगा जीत रहे होते, वी कुडंट डू इट बिकॉज वी प्लेड लाइक दैट, वी प्लेड टू पुअरली टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द सीजन एंड वी डोंट डिजर्व टू विन बिकॉज वी कुडंट कीप आर कंपोजर, हम माइंड अपना रख नहीं पाए, यू नो कंसंट्रेट फोकस करके गेम्स नहीं खेल पाए, द टीम्स छोटी टीम्स यार हमने हारा है, गंदा गेम हम हारे हैं यार, ग्रैंडा वाला गेम तो यार अभी भी ऐसा दिल में चुभता है ना, जैसे कि
क्या बताऊँ यार, मतलब एंड वो लेवांते वाला 3-3 ड्रॉ तो भाई साहब, मतलब यू थिंक अबाउट इट एंड यू वॉन्ट टू प्यूक, ऐसा सा तो सिनेरियो रहा है। बट कल क्या देखना है हमें, कल हमें देखना है अपनी बार्सिलोना टीम को विदाउट मेसी ऑब्वियसली ग्रेट फुटबॉल खेलते हैं, यू नो आई डोंट केयर इफ वी लूज, आई डोंट केयर इफ वी ड्रॉ और विन बाय 3-0, 1-0, 2-0, बट आई वॉन्ट देम टू गिव अस अ रीजन टू बिलीव इन देम, ठीक है कि यार चलो भाई जो भी हुआ लीग में हुआ, अब हम ये लास्ट गेम है ना ऐसा खेलेंगे यार, ठीक है कि तुमको मजा आएगा, यू वॉन्ट लूज द विल टू सपोर्ट। प्रीवियस वीडियो में अपने यही कहा था ना यार कि यू लूज द विल टू सपोर्ट, ऐसा गेम आप देखते हो फर्स्ट हाफ में अच्छा, सेकेंड हाफ में आप एकदम कुत्तों की तरह से मैच हारते हो, इट डजेंट फील गुड। बट तो अगर मैं एक बार्सिलोना प्लेयर हूँ एंड ये मेरा यू नो इस सीजन का लास्ट गेम है, एंड मैं खुद कहूँगा भाई यार सुनो यार मिंगेजा यार पीके सुन, कल पिच पे यू नो वील गिव इट आर ऑल, डजेंट मैटर यार कुमान ने क्या कहा है क्या टैक्टिक्स है, ठीक है यार कुमान ऑल्सो डिजर्व दिस फ्रॉम अस, उसने भी सब कुछ कर लिया है, ठीक है बंदे ने, सो वी हैव टू गिव इट ऑल। भूल जाते हैं यार उस मेंटालिटी को, वो डर के खेलने को, वो गोल्स एंड वो फंबल करना एंड ऑल, ठीक है भूल जाओ उसे यार, जो एरर्स हुए कल अपना गेम बढ़िया देते हैं सो दैट वी कैन क्लोज दिस सीजन ऑन अ हाई। कल यू नो एबार इतनी टफ टीम नहीं है, विटम चाहे तो अच्छा एक रिजोल्यूट 2-0 गेम खेल के हरा सकते हैं, ठीक है दैट्स ऑल आई आस्क, एक रिजोल्यूट गेम, गुड गेम विद प्रॉमिस, विद गुड पासिंग, विद गुड ट्राइंगुलर पोजिशनिंग, विद गुड डिफेंडिंग एंड पोजिशनल प्ले, दैट्स ऑल आई आस्क, हम करके दे सकते हैं एंड आई थिंक सो कि ये बारसा कर देगी। एंड बाकी और कोई भी डिटेल अगर आपको जाननी है बारसा के लिए, जावी, कुमान, वट एवर इट इज, रायकार्ड, लपोटा के क्या प्लान्स है, किनको निकालने वाला है, उसके लिए एक मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाया है, कल ही डाला है वो वीडियो, 40 मिनट का वो वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा अभी इस जगह पे करेंटली, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ वो जाके वीडियो देखना, वो वीडियो मतलब ऐसा है समझो ग्रंथ है, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज ऐसा आप लोग कह रहे हो, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत अच्छा उस पर मुझे एक्चुअली व्यूज उस पर ज्यादा नहीं आया, आई डोंट केयर अबाउट द व्यूज, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट द थिंग इज कि वो रिसीव बहुत अच्छे से हुई है लोगों में। सो हैविंग सेड दैट गाइज, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है सब्सक्राइब तुम लोग नहीं करते हो, पता नहीं मैं ये स्टार्ट देख रहा था अपने यूट्यूब एनालिटिक्स में, तो तुम यहाँ देख सकते हो अराउंड 55% 56% लोग जो हैं ये अनसब्सक्राइब लोग हैं, तो ऐसा क्यों करते हो यार, मतलब आए देखे चले गए, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आता, यू जस्ट हैव टू हिट दैट बटन हिट करो, हमारे नंबर्स इंक्रीज कराओ, बिकॉज यू नो वी एम फॉर द हाइस। तो हैविंग सेड दैट गाइज, थैंक यू फॉर बींग अवे ऑलवेज एंड आई सी यू गाइज वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज विस्केल बारसा एंड पीस आउट।